शहर के युवा नीतीश ठाकुर और टीम ने कोरोना वायरस के चलते एक शॉर्ट फिल्म केदारा 2.0 का निर्माण किया। इस शॉर्ट फिल्म में कोरोना के योद्धाओं को भगवान भोलेनाथ के रूप में दिखाया गया, जो एक मजदूर के सपने में आकर उसके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। इसका फिल्मांकन नीतीश ठाकुर खरगोन ने किया है। फिल्म को यूट्यूब पर बहुत अधिक पसंद किया जा रहा है। मात्र 2 दिनों में ही फिल्म को 15,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। फिल्म से जुड़े कलाकार SW24 न्यूज के स्टूडियो में फिल्म के प्रमोशन के लिए आए थे। नितिश, आपने जो केदारा 2 मूवी का लॉन्चिंग का बता रहे हैं, वो आपने क्या सोचकर बनाई है? जी, हम लोगों ने इसके पहले प्रोजेक्ट किया था केदारा, जिसमें हम लोगों ने सिंपल एक सॉन्ग के ऊपर महादेव जी को दिखाया था। उसके बाद सेकेंड हम लोगों ने अभी सोचा, जैसे लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी, मजदूरों को देखा, उनका स्ट्रगल देखा, और उसके बाद हम लोगों ने जैसे कोरोना की बीमारियाँ, इसमें डॉक्टर्स को देखा, पुलिस वालों को देखा, सारे लोग योगदान दे रहे हैं। और इसमें जैसे नगर पालिका के कर्मचारी, सारे लोग मतलब सब मिल के कर रहे, जो एक हमारे लिए भगवान के रूप जैसा है। तो हमने सोचा क्यों ना महादेव का एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि जिसमें हम लोग इनको, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, या नगर पालिका के कर्मचारी, या हम लोगों के जितने भी जो सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग इनको क्यों ना भगवान का दर्जा दें। हम लोगों ने उनको भगवान का रूप दिखाया इसमें। ठीक है, आपने इसमें महादेव जी पर ही क्यों फोकस किया है? एक महादेव जी है और एक हिंदू धर्म में ऐसा कि हम लोग देवी देवताओं को दिखा सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी धर्म में हम देवी देवता को किसी रूप में नहीं दिखा सकते। हमारी टीम में जो मेन है अभी फिलहाल, जो एक्टर है अक्षय दसौंधी और विजेंद्र सिंह, जिनके साथ विजेंद्र सिंह जो है उनके साथ में हम लोगों ने पहले से ही वर्क किया है केदारा। और इसके सेकेंड पार्ट में हमने सोचा कि इसमें कुछ स्टोरी टाइप होना चाहिए, तो स्टोरी के लिए एक्टर जो है, जो अक्षय के साथ में हमने इसके पहले भी वर्क किया, वो काफ़ी अच्छा एक्टर है, थिएटर आर्टिस्ट है, और हमने सोचा ये रोल के लिए बहुत ज़्यादा सूट करेगा। तो हमने अक्षय को एक्टर में लिया। सेकेंड हमने अक्षय के ही जो एक परिचित है, अक्षय के मतलब एक फैमिली मेम्बर है, अक्षय ने ही बताया कि मेरा एक भाई है वो मुंबई से आया है, हर्ष मुंबई से आया है। तो हर्ष ने मतलब काफ़ी चीज़ें कर रखी है, और उसने काफ़ी मतलब मूवीज़ में काम करा है, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया है, काफ़ी वेब सीरीज़ में काम किया है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, हमारी टीम में एक अच्छा मेंबर और नया आया है, तो हमने फिर उसके साथ हर्ष के साथ में काम किया। और उसके बाद हमारे साथ में प्रदीप राणा, जो हमारी सारी हेल्प करता है, वो एक अच्छा मतलब कैमरा वर्क सीख भी रहा है, करता भी है, और एक टीम का एक सबसे अच्छा मेंबर है, जो सबका ध्यान भी रखता है, कि मतलब सबके एक एंटरटेनमेंट का वो है कि वो सारे लोगों को एंटरटेनमेंट भी बीच में करते रहता है। अक्षय, आपका इस फिल्म जो आपने बनाई है, इससे क्या उद्देश्य है और आपका क्या किरदार था इस फिल्म में? एक्चुअली मैंने इसमें मजदूर का कैरेक्टर प्ले किया है, और हम लोग यहाँ से जब गए थे, सारा कुछ ब्रीफ हुआ था, तो मजदूर ही मुझे प्ले करना था। देखा हम लोगों ने काफ़ी न्यूज़ में देखा कि कैसे मजदूर जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, पांव छाले पड़ जाते हैं उनको, तो ये सब ध्यान में रखते हुए, इन सब को ध्यान में रखते हुए वो किया मैंने, मैंने बेस्ट दिया। बस ये मेरा कैरेक्टर था, बाकी तो बस केदारा 2.0 है, देखिएगा। दीप्ति, जैसे नीतीश ने बताया कि आप फिल्म में एज अ प्रोड्यूसर एवं मेकअप आर्टिस्ट के रोल में थे, तो आपने मेकअप आर्टिस्ट का रोल अदा करते हुए क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा? जब हम लोगों ने मेकअप किया, उस समय हम लोगों ने सबसे पहले सैनिटाइज किए हैंड, और उसके बाद में हम लोगों ने ग्लव्स का यूज़ करते हुए मेकअप किया है। और जब भी हम लोग शूट कर रहे थे, उसके बाद में जितने ही लोग उस समय फ्री हो रहे थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान दिया कि हम लोगों को हैंड सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान दिया है उसमें। हर्ष, नीतीश ने जो केदारा 1 बनाया था, उसके बाद जो केदारा 2 में उन्होंने आपको रखा उनके साथ, तो आपका क्या अनुभव है उसी से? उनके साथ मेरा अनुभव बहुत माइंड ब्लोइंग रहा। उन्होंने जब मुझे बताया कि हम लोग ऐसा कुछ बनाते हैं जिसमें हम जो कोरोना वॉरियर्स है उनको भगवान से रिलेट कर रहे हैं, महादेव से रिलेट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो मुझे मतलब इसके लिए जाना चाहिए। तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि मुझे इन सारी चीज़ों की जो देश में चल रहा है, इसको एक बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट करके लिखना था। तो फिर उसको मैंने थोड़ा सा टाइम लेके और बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश की है, आप देखेंगे और आप ही
अच्छे से रिव्यू दे पाएंगे उसका। थैंक यू। आपके साथ कोई और भी टीम मेंबर? जी हाँ, वो महेश्वर के लोकल राहुल फुलकर जी भी मेरे साथ में थे, और लोकेशन पे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो हम दोनों मिलकर ही सहयोग करते थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।